बड़वानी पुलिस ने गश्त के दौरान अंजड़ नाका क्षेत्र से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया, जिसके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा भी जब्त किया। पूछताछ में आरोपी अरविंद ने ठिकरी में एक लूट के साथ बड़वानी में पूर्व में हुई नकबिजनी में खुद को शामिल होना बताया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से नकबिजनी में गए सोने और चांदी के जेवर जब्त किए। फिलहाल पुलिस अरविंद को न्यायालय पेश कर उसका रिमांड लेकर अन्य अपराधों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। साथ ही ठिकरी पुलिस को भी सूचना दी है, जिससे कि ठिकरी पुलिस भी पूछताछ कर सके। रात्रि गश्त के दौरान जो है बड़वानी पुलिस की टीम जब चेकिंग कर रही थी, उस समय एक संदिग्ध युवक अंजन नाके के पास जो है संदिग्ध अवस्था में मिला था। जब पुलिस ने उसको जब पूछताछ की तो वो वहाँ से भागने लगा। जो पुलिस ने घेराबंदी करके जब उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद जब उसकी तलाशी ली तो तलाशी में उसके कमर में एक कट्टा लगा हुआ मिला। उससे वो जो है किसी गंभीर वारदात को करने के लिए ऐसा लग रहा था कि जा रहा है, तब उसको पुलिस हिरासत में लेके थाने लाए और उसको जब और सख्ती से पूछताछ की और जब तकनीकी रूप से उसकी लोकेशंस वगैरह सब ट्रेस किया तो उस समय एक अभी कुछ दिन पहले ठिकरी में भी लूट की घटना हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल लूट हुई थी। उस संबंध में जब उससे और पूछताछ की गई तो उसने वो घटना भी अपने एक साथी के साथ करना कबूल किया है। और हमारे यहाँ पे भी जो एक नकबजनी हुआ था कुछ दिन पहले, उस नकबजनी को भी करना इसने कबूल किया है। तो नकबजनी में जो चांदी का सामान और सोने के मोती वगैरह वो इससे जब्त हुए हैं और इसके खिलाफ आम सेक्टर के अंतर्गत कार्रवाई, नकबजनी में भी इसको गिरफ्तार, दोनों मामलों में गिरफ्तार किया और ठिकरी पुलिस को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। वो भी आके अपनी अब अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हाँ, इसके पीआर के लिए अभी न्यायालय से हाँ गंभीर किस्म का आरोपी है, काफ़ी शातिर है, इसलिए सब पूछताछ की जरूरत है।